मैं एक जगह रहता था और मेरे पड़ोस में एक टीचर रहते थे। पहले दिन जब मैं वहाँ रुका तो रात पति और पत्नी में बहुत जोर से झगड़ा हो गया, तो दीवार से आर पार मुझे सुनाई पड़ता था। तो मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि कोई है नहीं, क्योंकि पति बिल्कुल मरने की धमकी दे रहा था कि मैं मर जाऊंगा। अब अपरिचित लोग थे, मैंने उचित भी नहीं माना कि मैं एकदम जाऊं। पहले ही दिन रुका इस कमरे में और पड़ोस में ये हो रहा है। फिर ये भी लगा कि परिचय अपरिचय का मामला नहीं है, ये आदमी मर जाए तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। लेकिन फिर भी मैंने संयम रखा कि भाई जब ये जाने ही लगे मरने के लिए तब बाहर जाकर रोक लूँगा। थोड़ी देर बाद बातचीत बंद हो गई तो मैंने समझा निपटारा हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखूँ कि बात क्या। जाकर देखा दरवाज़ा खुला था और पत्नी दरवाजे के अंदर बैठी थी। वह संजन तो जा चुका था। तो मैंने उससे पूछा, कहाँ गए आपके पति जिनसे बात हो रही थी? उसने कहा, बेफिक्र रहिए, वह ऐसा कई दफ़े जा चुके, अभी थोड़े देर में लौट आएंगे। मैंने कहा, भाई मरने के आए हुए? उसने कहा, भाई बिल्कुल लौट आएंगे, आप बेफिक्र रहिए। 15-20 मिनट बाद सचमुच वे आपस लौट आए। मैं बाहर रुका हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आप आपस आए? उन्होंने कहा, पानी गिरने का आसार हो रहे थे, उनको क्या मालूम कि मुझे पता है कि वे मरने गए। तो उन्होंने कहा, पानी गिरने का आसार हो रहे, देख नहीं रहे आप बादल घिर रहे, इसलिए लौट आया। छाता नहीं ले गया था साथ में, घर में छाता ना हो तो भी मरने वाला आदमी बाहर नहीं जाता। हम सभी सोच लेते बहुत बार मरने की, लेकिन जब हम मरने के सोचते तब वो मरने की बात नहीं होते। वह सिर्फ जीवन में थोड़ी सी अड़चन होती है, संकल्प की कमी के कारण हम मरने को सोच लेते। जीवन में अड़चन है, कहीं टकराव, कहीं जरा सा जीवन में अड़चन और चरे मरने। जीवन की अड़चन में से जो मरने जा रहा वो संकल्पवान नहीं है, लेकिन मृत्यु को सीधा पॉजिटिव अनुभव करने का कोई जा रहा। विधायक रूप से मृत्यु क्या है इसे जानने जा रहा है। जीवन से भाग नहीं रहा, जीवन से कोई विरोध नहीं है, जीवन में कोई निषेध नहीं है, तब तो ये आदमी मृत्यु में भी जीवन खोजने जा रहा है। और ये बात है, और ये है कि इसमें भी महत्वपूर्ण घटना है, वह ये है कि जन्म के लिए तो हम साधारणतः तो निर्णायक नहीं होते। जन्म भी अंततः तो हम निर्णय करते हैं, लेकिन वह भी अचेतन निर्णय होता। हमें पता नहीं होता कि हमने क्यों जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, किस लिए जन्म लिया। एक अर्थ में मृत्यु ऐसा मौका है जिसके हम निर्णायक हो सकते, इसलिए मृत्यु जिंदगी में बहुत अनूठी घटना है, जिसको कहना चाहिए डिसिसिव। क्योंकि जन्म का तो हम पक्का निर्णय कर सकते हैं कि हमने से कहाँ जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, कैसे जन्म लिया, लेकिन मृत्यु का तो हम निर्णय कर ही नहीं सकते कि हम कैसे मरे, कहाँ मरे, क्यों मरे। मृत्यु का तो ढंग हम निश्चित कर ही सकते हैं। महावीर ने इसलिए भी आशा दी मृत्यु के इस प्रयोग को करने के लिए, जो व्यक्ति मृत्यु का प्रयोग करके मरेगा वह अपने अगले जन्म का भी निर्णायक हो जाएगा। क्योंकि जिसने मरने का स्वेच्छा से व्यवस्था कर ली, उसके लिए प्रकृति उसके जन्म को स्वेच्छा से चुनने का मौका भी दे देती है। वह उसका दूसरा हिस्सा है। जब वह इस दरवाजे से निकलते वक्त ज्ञान से निकलता, जानते हुए निकलता, तो दूसरे दरवाजे भी उसके लिए ज्ञान से ही स्वागतम देंगे और भीतर आने के लिए स्वेच्छा से वरण करेगी। अगले जन्म का जिन्होंने निर्णय करना है उन्हें इस जन्म को स्वेच्छा से गुजारना चाहिए। इसलिए भी आशा दी। लेकिन साधारण आत्महत्या, साधारण आत्मघात करने वाला संकल्पवान व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है।